आज भी भारत की आबादी का एक चौथाई हिस्सा प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जिसे AQLI कहते हैं, यानी जीवन जीने के लिए हमें जिस गुणवत्ता की हवा चाहिए, उस मामले में भारत WHO के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। यही वजह है कि भारत में अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल कम हो गई है, यानी एक व्यक्ति की औसत आयु भारतीय वायु प्रदूषण की वजह से 5 साल कम हो गई है, यानी अब व्यक्ति अपने एवरेज लाइफ से 5 साल कम जीने को मजबूर हो गया है। जहां अभी के समय दुनिया भर के सभी देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन भारत की दो तरफी लड़ाई जारी है। जहां कोरोना से लोग मौत के घाट उतर रहे हैं, वहीं प्रदूषित वायु हर दिन अरबों लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हाल ही में हुए शिकागो यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नए AQLI रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक वायु में तैर रहे पार्टिकुलेट मैटर कोरोना से पहले इंसानों के स्वास्थ्य को ज्यादा मात्रा में कमजोर कर रहा था, और अगर आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हुई तो इस कोरोना महामारी के बाद भी यह मानव लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और भी बुरी तरह से प्रभावित करेगा। यूनिवर्सिटी के इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में भारत में पार्टिकुलेट मैटर यानी कण प्रदूषण में 42% की तेजी आई है। आज भारत में 84% लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो भारत के स्वयं के एयर क्वालिटी इंडेक्स से अधिक प्रदूषित हैं। वहीं पर पूरी आबादी WHO की ओर से तय मानक से अधिक के स्तर के एयर क्वालिटी वाले माहौल में जीने को विवश है। इसका नतीजा यह है कि एवरेज इंडियन अपने लाइफ के 5 साल कम जीते हुए देखे जा सकते हैं। WHO ने जो स्टैंडर्ड तय किया है, उसके मुताबिक हर भारतीय का औसत आयु से 5 साल आयु कम हो रहे हैं। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का वायु प्रदूषण से हालत खस्ता है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण का मौसम चल रहा है। साल के अक्टूबर नवंबर महीना आते ही दिल्ली की हवा बदलने लगती है। नई रिसर्च की मदद से दिल्ली में होने वाले पॉल्यूशन को कैसे काबू करें, इस पर विचार किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलने की वजह से हर साल दिल्ली की हवा जहरीली होती है। वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार पराली के मामले में 3 गुना की अधिक बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि अक्टूबर महीने के मध्य तक दिल्ली में दम घुटने की भी नौबत आ सकती है।